हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, हरियाणा की सिंगर और डांसर सपना चौधरी की वीर साहू के साथ शादी और उनका नवजात बच्चा इन दिनों सुर्खियों में है। प्रशंसक जानना चाह रहे हैं कब, कैसे और कहां उनकी शादी वीर से हुई। अब उनके घर वालों की तरफ से भी शादी की बात पर हामी भर दी गई है और बीती जनवरी को वीर के साथ उनकी कोर्ट मैरिज की बात भी सामने आ गई है। ऐसा क्या आपको पता है कि उनकी शादी की पूरी पटकथा यूपी के बलिया जिले के एक धार्मिक आश्रम में लिखी गई थी। कोर्ट मैरिज से करीब एक महीने पहले 15 दिसंबर को सपना चौधरी ने वीर के साथ पूर्वांचल के बलिया जिले में सांकेतिक शादी कर ली थी। वे यहाँ एक आश्रम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी और यहीं संतों के सानिध्य में उन्होंने वीर का हाथ थामा और वरमाला डालकर दोनों एक दूसरे के हो गए। भीड़भाड़ और शोर शराबे से दूर बिल्कुल सादगी के साथ दोनों इस अहम रिश्ते की डोर में बंधे। द वैदिक प्रभात फाउंडेशन में दोनों पिछले साल पहुंचे थे। दोनों ने एक संक्षिप्त कार्यक्रम में एक दूसरे गले में वरमाला डालकर साथ जीवन गुजारने का फैसला लिया था। संत बद्री विशाल के मुताबिक इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने सपना और वीर को आशीर्वाद भी दिया था। बता दें कि सपना चौधरी ने अपनी शादी और प्रेगनेंसी को अब तक छुपाए रखा। सपना के वीर साहू संग रिलेशन में होने और शादी करने की खबरें तो थी, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं की गई। मां बनने के साथ ही सपना और वीर साहू की शादी के बारे में भी पता चला है कि सपना को मां बनने पर उनके फैंस बधाई दे रहे हैं। हिसार के रहने वाले वीर ने जनवरी में सपना से शादी की थी। फिलहाल खुद सपना की फैमिली और वीर की फैमिली परिवार में नन्हे मुन्ने के आने से खुश है।